हैप्पी नवरात्र फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताएंगे कि पूजा किट जो हम लेके आते हैं हवन कराने के लिए उसमें क्या क्या सामग्री निकलती है। तो जो मैं लेकर आई थी पूजा किट, तो उसमें क्या क्या निकला था, तो एक निकली हवन सामग्री का पैकेट निकला था, एक समूचा गोला निकला है, कलाबा, रोली, दो कपूर, लाल कपड़ा, साटी का चावल, जौ, पांच प्रकार के मेवे निकले हैं इसमें से, मखाना, ठीक है, गोला भी निकला है और किशमिश है और बादाम है, छुआरे भी है इसमें, और उसके बाद चावल, तिल, चंदन चूरा, सिंदूर, तो आप देख सकते हैं पास से, और चार प्रकार की इसमें दालें निकली हैं, तो इसमें दाल कौन कौन सी हैं तो उनके नाम बता देती हूँ आपको, उड़द, चना, मसूर और मूंग की दाल, तो आप चार दालें ले सकते हैं कोई सी। उसके बाद इसमें बात करते हैं माचिस, सुपारी, कमल साटे और रुई की बत्ती, धूप बत्ती निकला है और ये भोजपत्र है इसमें, और लौंग निकलती हैं और कमल के गट्टे, और उसके बाद आपको और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको शहद, इसमें मेरी सामग्री जो थी इसमें शहद नहीं निकला था हवन सामग्री में, लेकिन जब पूजा कराते हैं तो हमें हवन में शहद की भी ज़रूरत पड़ती है, गंगा जल और कपूर, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कपूर तो हवन सामग्री में निकला है, और एक्स हमें फिर अलग से लाने पड़ते हैं, पान जब हम हवन कराते हैं, फूल, प्रसाद, आम की लकड़ी चाहिए होती है और घी चाहिए होता है दीपक जलाने के लिए, और उसका फल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी जो हवन सामग्री मैं लेकर आई थी उसमें क्या क्या निकली है सामग्री, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एक एक नाम भी बताए थे, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ भी अगर छूट गया हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी नवरात्र फ्रेंड्स।